हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था फ्लो ऑफ लिक्विड्स, और फ्लो ऑफ लिक्विड में हमने अभी तक की पढ़ लिया है आइडियल लिक्विड एंड विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और पहले पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि जब कोई वॉल या कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में फ्रीली फॉल होता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों मूव करता है, कारण क्या है? उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स की जो एक्सप्रेशन दिया था वो स्टोक्स ने दिया था और उसे ही हम स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, व्हेन अ सब्सटेंस में लाइक हम बॉल लिख लेते हैं, ठीक है, moved या is freely fall, then when a ball is freely fall in the liquid, ideal liquid, the non-viscous liquid, then it moves with constant velocity, और उसी constant velocity को हम terminal velocity बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में constant velocity, then the force acting on the ball is given by, एक फोर्स वर्क करता है उस पर बॉल, which is given by, क्या है, F is equal to 6 pi RB, ठीक है ना। और इसी एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोक्स लॉ, ठीक है ना। दिस फॉर्मूला, दिस एक्सप्रेशन इज गिवन बाय स्टोक्स, ठीक, वेयर ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल, आर क्या होगी, रेडियस ऑफ वॉल, रेडियस ऑफ बॉल, एंड वी क्या होगी, हमारी टर्मिनल वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से और हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। Calculation of terminal velocity, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बेटा कोई बॉल है जो v वेलोसिटी से नीचे की तरफ क्या
थीटा आर भी फॉर्मूला लगेगा और नीचे इसका वेट वर्क करेगा और वेट वर्क करेगा तो एम जी नहीं होगा यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे किसके रेस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में मास इक्वल टू सॉरी डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम यहां मास लिया जाएगा डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू सिग्मा क्या होता है रो रो सिंगल नहीं होगा यहां पर क्योंकि दो चीजें हैं एक तो बॉल है तो इसकी भी कुछ डेंसिटी होगी और तुम्हारे लिक्विड है इसकी भी कुछ डेंसिटी होगी तो रो माइनस सिग्मा हो जाएगा क्या हो जाएगा रो माइनस सिग्मा इसका मतलब क्या है रो जो तुम्हारे होगी वो सब्सटेंस की डेंसिटी होगी और सिग्मा क्या होगी तुम्हारा किसकी डेंसिटी हो जाएगी वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी ठीक है ना तो ये कंडीशन है तो हम लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर Consider a small ball of radius R and density हमने कितनी मानी है sigma sorry rho So of density rho freely falling in a liquid having density of liquid की density हमने क्या माना बेटा sigma density में क्या कर रहा है freely fall कर रहा है ठीक है तो इफेक्टिव फोर्स अपवर्ड सॉरी डाउनवर्ड तो ये जो तुम्हारा डाउनवर्ड फोर्स है इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा mg होगा बेटा क्या होगा mg बट मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो यहां से मास की वैल्यू क्या आ जाएगी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम किसका ऑब्जेक्ट का तो वॉल्यूम हो जाएगा बॉडी है स्फेरिकल तो रह जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब ठीक है और इनटू क्या आ जाएगा डेंसिटी और डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हमने क्या लिखा कि लिक्विड में सॉरी सब्सटेंस में से इसकी डेंसिटी माइनस हो जाएगी लिक्विड की तो रो माइनस सिग्मा इनटू में जी ये तुम्हारा हो गया इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स लेकिन ऊपर की तरफ क्या वर्क करता है बियॉन्ड फोर्स वर्क करता है या विस्कस फोर्स वर्क करता है विस्कस फोर्स इफेक्टिव अपवर्ड फोर्स अपवर्ड विस्कस फोर्स और जो किसने दिया था स्टोक ने दिया था इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी अब चूंकि बेटा जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका मतलब उस पर कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो क्या है दोनों इक्वल है तो लिखोगे सिंस द बॉल falling with constant velocity that is no acceleration acts on it thus the total force
जीरो, और टोटल फोर्स क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब सिक्स पाई ईटा आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा इसके 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। दिख रहा है? तो यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बचेगा यहां पर, और ये 3 और ये आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा, ठीक है, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। v की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 2/9, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2/9, ठीक है, r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू जी अपॉन में ईटा, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आई बात कि नहीं? नोट कर लीजिए फटाफट से। और नेक्स्ट शेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। पुट द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब यह है कि बेटा जब कोई लिक्विड, ठीक है, किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब में स्ट्रीमलाइन फ्लो करती है, स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो करती है, ठीक है, तो यस जस्ट होल्ड ऑन 2 मिनट्स। यस, हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की। तो हमने बताया था कि अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तुम्हारे घर से कॉल आ रही है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन अगर हम a1 कंसीडर करें तो एरिया क्रॉस सेक्शन a2 हो जाएगा। तो लिख लीजिए, दिस स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट when an incompressible non-viscous liquid flow through a non cross sectional non cross sectional tube
hint, stream, line, flow, flow. Then the product of area and area of cross section, area of cross section and velocity will be same at everywhere. सभी जगह जो area और velocity का जो product होगा वो क्या होगा? Same होगा. That is a into b is equal to क्या होगा? Constant होगा. ठीक है? और ये हमको क्या करना है? Proof करना है. तो हम proof heading डालेंगे और proof देखेंगे. चलिए देखते हैं. Simple सा पहले ये देखेंगे. केक क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल ट्यूब है एक्स और वाई हमने कंसीडर कर लिया और यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है और यहां से लिक्विड क्या कर रहा है लीक कर रहा है तो पहला और पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या कंसीडर किया ए1 और दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए2 ठीक है तो the volume of liquid entering from x in 1 second यानी 1 second में कितना वॉल्यूम जो है लिक्विड का यहां से एंटर करेगा इज इक्वल टू हो जाएगा a1 * b1 क्यों होगा a1 * b1 देखो फार्मूला होता है वॉल्यूम का लेंथ * ब्रेथ * हाइट होगा ठीक है तो एरिया की वजह से तो लेंथ * ब्रेथ हो गया या ब्रेथ * हाइट हमारा क्या हो गया एरिया हो गया अगर हम बात करें लेंथ की इसकी बात करें बेटा लेंथ की तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है speed equal distance upon time तो velocity equal to हो जाएगा distance upon time अब यहाँ पर देखेंगे बेटा time कितना दिया हमने 1 second लिया कितना दिया है 1 second तो velocity किसके बराबर हो जाएगा distance के और distance का मतलब length के बराबर होगा तो length breadth into height को हम area cross section मान ले और length को हमने क्या किया v1 यानी 1 second में तो v1 ही होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा a1 into b1 ठीक है फिर अगर हम बात करें इसी तरीके से द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग थ्रू पॉइंट वाई नाउ एरिया ऑफ लिक्विड सॉरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ठीक है लीविंग फ्रॉम एंड वाई एंड पर कितना वॉल्यूम होगा ए टू इनटू बी टू यहां पर भी इसी तरीके से फ्रॉम एंड वाई इन वन सेकेंड अब बेटा एक बात ये पता होनी चाहिए कि जितना लिक्विड यहां से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहां पर बाहर जाएगा रीजन है स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो हम एक लाइन लिखेंगे but the liquid which enters at one end must be leave at other end but the liquid enters from one end the same liquid, the same amount
will leave from other end, इसका मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम 1 सेकंड में इधर एंटर किया उतना ही वॉल्यूम उतना इधर से निकलेगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a1 b1 बराबर हो जाएगा a2 b2 के, और a1 b1 बराबर हो गया a2 b2 के. इसका मतलब क्या हो गया कि ab इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट. समझ में आएगा कि यही तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. समझ में आ गई बात, फटाफट से नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, पुट द हेडिंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. Different energies of flowing liquid. अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके डिफरेंट एनर्जीज के बारे में हमको पढ़ना है, और पहला हम पढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी. फर्स्ट है प्रेशर एनर्जी. तो प्रेशर एनर्जी इक्वल हो जाएगा किसके, वर्क डन के. ठीक है, लिखेंगे प्रेशर एनर्जी इक्वल किसके होगा, वर्क डन. और वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ, और इनटू डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं एल. और पी बराबर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं पी ए इनटू एल, और ये हो जाएगा पी ए एल. और ये ए एल का क्या मतलब है, वॉल्यूम है. ए एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा कितना, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पी हो जाएगा. केवल वॉल्यूम खत्म हो जाएगा बेटा, एयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के इक्वल टू होता है के ई ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम. के हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, पर यूनिट वॉल्यूम है तो अपॉन में वी हो जाएगा वॉल्यूम, और एम अपॉन वी की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी होती है. रो इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन वी. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर. तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम हमेशा हाफ रो वी स्क्वायर यूज करेंगे. फिर सेकंड पढ़ेंगे हम बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, तो लिख लेंगे थर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड.
वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर कोई लिक्विड क्या है एच हाइट ऊपर है तो हो जाएगा एम जी एच अपॉन बी, एम डी एच अपॉन में बी, और एम अपॉन बी क्या हो जाएगा रो हो जाएगा, तो हो जाएगा रो जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा रो जी एच। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बेटा? बर्नौलीज़ थ्योरम। ओके, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि बर्नौलीज़ थ्योरम में हमें इसी के आगे अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू ऑल।